मंदाकिनी प्रोडक्शंस के साथ मंदाकिनी बोरा अपने बिल्कुल नए आत्मोत्तेजक आध्यात्मिक गीत जय सियाराम शबरी एपिसोड को लेकर तैयार है, जिसका रिलीज दिल्ली में आरएसएस के संरक्षक इंद्रेश कुमार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने किया। इस अवसर पर आरएसएस संरक्षक इंद्रेश कुमार गाने की तारीफ करते हुए बताया, किस तरह भगवान राम भगवान बने लेकिन उनके साथ रहकर लक्ष्मण भगवान नहीं बन पाए, उन्होंने गाने को गुनगुनाया भी। वहीं मनोज तिवारी ने बताया कि मंदाकिनी बोरा के गाने वो सुनते रहे हैं। अच्छा, तो आपसे बहुत आगे निकलेगी और वो जो थॉट था, जैसे आपने माता शबरी से और फिर ट्रांस में गए हैं आप सीता जी पर, शायद वो राम जी का एंगल है। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा बनाने के लिए, और आप गाते को अच्छा हो ही, आपके स्वर में आप जब भी मैंने कुछ और भी गाते हो, एक बार तो आपने शिव जी का गाना भी तैयार किया जो हम लोग नहीं कर पाए, तो आज तो हम दूसरा गाना गाने लगते हैं सर। तो भी मैं मंदाकिनी जी आपका बहुत एक अच्छा श्रोता हूँ, पीछे भी जो आपने गाने दिए हैं, और आप लगातार कुछ न कुछ कर रही हो, एक नए नए प्रयोग कर रहे हो, ये भी एक प्रयोग है। और चूंकि इस समय तो इतने प्रयोग हो रहे हैं, हर फ्रेम बन जा बस हमारे जो पल्ला बक्तावर गांव की तरफ से वो एक्सेप्ट लगा है, और फिर भी मैं सोचा नहीं आज आपको मैं शुभकामना दे के ही जाऊंगा, तो अभी तो और भी बारे बहुत देखो, हमारे गुरु जी भी आ गए हैं, गुरु जी कुमार स्वामी जी, और यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं, वो तो वो सारी बातें आएगी, लेकिन हमने तो गाना देख लिया और हम इस गाने को आपको प्रमोट भी करेंगे अपने सारे जितने सोशल मीडिया के होंगे, और दुनिया को बोलेंगे कि हमें सिर्फ 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर पुनः बन के तैयार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी उसका उनके शुभ हाथों से उद्घाटन होगा उससे मंदिर का। तो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिया जलाना, ये भी एक दिया है, ये भी एक दिया है जो न जाने कितने विचारों को प्रकाशित करेगा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मंदाकिनी जी, आपका ये जय सियाराम शबरी मिलन बहुत सफल हो, लोग सुनिए सभी लोग, मैं यहाँ अपने मीडिया के सभी साथी, मैं इतना मीडिया को किसी गाने के रिलीज में पहली बार देख रहा हूं, बट ये भी अपनी एक तैयारी है, क्यों ना हो, सारी दुनिया भगवान राम के आने की अलग अलग ढंग से स्वागत कर रहा है, तो ये भी एक स्वागत है, और मैं आपको आपकी टीम को सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। मैं इतना जितना बात बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि गाना तो हमारा भी आता है, गाना हमारा भी आता है, और उसके बाद भी इस गीत में, इस विजुलाइजेशन में, इस कहानी में बहुत सारी नई बातें। मंदाकिनी बहुत सारे भक्ति गीत रिलीज कर चुकी हैं। इस समय जब पूरा देश राम के भक्ति में लीन है, वैसे में उनकी यह गाना राम के प्रति लोगों को और जोड़ेगा। मनोज तिवारी ने आगे बताया कि पीएम ने सबको 22 तारीख को हर घर में दीप जलाने को बोला है। मंदाकिनी बोरा का यह प्रयास भी एक तरह से दीप जलाना ही है। इस गाने को मंदाकिनी ने बेहद सावधानी पूर्वक संकल्पित, डिजाइन और व्यवस्थित किया है, जिसका लक्ष्य नए साल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण शुरुआत प्रदान करना है। जैसे ही हम नए साल में कदम रख चुके हैं, जय सियाराम शबरी एपिसोड एक मनोरम संगीतमय पेशकश के रूप में सामने आता है।
जो गहन आध्यात्मिकता और सकारात्मक भावनाओं से गूंजायमान है। इस परियोजना के जरिए मंदाकिनी बोरा ने संगीत और भक्ति को एक साथ रचनात्मक शक्ति के साथ बुना है और एक ऐसा अनुभव तैयार किया है जो संगीत की सीमाओं से परे हो। तभी तो अपने गहन गीतों और भावपूर्ण धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए मंदाकिनी न केवल तैयार हैं, बल्कि जय सियाराम शबरी एपिसोड की आध्यात्मिक संगीत शैली के साथ एक कालातीत जुड़ाव बनने के लिए तैयार भी हैं। में राम के कैरेक्टर में कबीर है, सीता जी पंछी के दिया, लक्ष्मण अमन आर आर सिंह है और शोभा जी है शबरी माता, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है। शबरी जी का जो भाव पूरी चीज इस गाने में देखने को मिल रही है। और बाकी मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूँगी यहीं पे आप लोग भी आएँ।